यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्टेड, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट। इसलिए आज जिसको आपने बुलाया है वो वही काम करते हैं जो मैं करता हूँ। कॉमेडियन है, मॉर्निंग शो होस्ट भी है, मेरे दोस्त भी हैं। प्रेजेंटिंग अकबर चौधरी। आजा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। यस, मजबूरी भी थी। मजबूरी थी बिल्कुल। मैंने एंट्री थोड़ी देनी थी, बाल वाल खोल के यूं ही करते। महंगे शैम्पू से ना गया है मैं, बड़ा इवेंट है घर पे बताया हुआ था मैंने, बड़ा इवेंट है। अब्बा ने घर के बाहर रोड बंद करवा दी। मासी रैंडम सफाइयां कर रही है। क्यों कर रही हो, यहाँ थोड़ी शूट होगा। महंगा शैम्पू का एक सीन था, बताइए अकबर भाई। महंगे शैम्पू में झाग नहीं बनती। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, important मुद्दा। आप समझेंगे ये बात। हम मिडिल क्लास लोग जो हैं, हमें लगता है ये चीजें नोटिस करते हैं हम लोग। झाग बन रही है तो अच्छा है, of course. लेकिन झाग नहीं बन रही इसका मतलब आइटम अच्छा है। ये है, ये देखो ना तुम। हाँ हाँ, ये महंगे टूथपेस्ट का भी है। हाँ। अब महंगे टूथपेस्ट में बबल नहीं बनते बिल्कुल ये, लेकिन हमें महसूस, जब तक हमें वो ना हो ना, ज्यादा ना बने, ज्यादा ना बने, वो भर ना जाए झाग से, बिल्कुल महसूस। ये इवन सस्ते नशे का भी यही सीन। एक्सप्लेन करो। मूवी में दिखाते हैं जैसे कि हाँ। जैसे चूहे की दवाई से मर गया बंदा, मुंह में झाग बन रही है। महंगे नशे में ये नहीं होगा, वो पड़ा होगा बस, सीधा सीधा सूखी लाश होगी। अच्छा, तुमने कभी फिल्मों में देखा है कि वो जब टेंशन में दवाइयां खाते हैं तो कभी एक दो टेबलेट नहीं? ये क्या है यार, ये है आई थिंक, ये थोड़ा ड्रामेटिक करने के लिए। इसी तरह मैंने अपने गोरे दोस्तों को सनी छालिया खिलाई। सनी छालिया? हाँ। सनी छालिया का बताओ एक्सप्लेन। तो वो थोड़ा ट्राई कर रहे हैं। हाँ। समझ नहीं पा रहे, वो रिलेट नहीं कर सकते ना। बिस्किट की तरह खा रहे, बिस्किट की तरह। एक बॉय ने तो पूरा डाल के ना, यू नशा हो गया उसे, चक्कर मारने लगा, मुत्तहिदा के नारे लगा दिए। यार हमारे अच्छा अकबर सवालों पे आए बिल्कुल। या हम लोग अभी ब्रांड्स को डिस्कस कर लें पहले। हाँ, ये भी मसला। मैं कह रहा था कि कॉमेडी में किस तरह आए, ये लंबा सवाल है ताविश भाई। सवाल तो छोटा, जवाब लंबा है। सवाल तो तीन लफ्जों का था, कॉमेडी में किस तरह आए। यार कॉमेडी में किस तरह आए, थिएटर से शुरू करते हैं ना, जैसे वहां से आओ, शुरू से स्कूल में थिएटर कर लिया, बल्कि अभी अम्मी अबू का रिश्ता पक्का करो, इतना शुरू से वहां से आते, वहां से ग्रेड 2 तक मुझे अपनी मेमोरी आती है। तो अली बाबा का कोई प्ले था जिसमें मेरा लाइंस नहीं थी, कोई कैरेक्टर की लाइंस नहीं थी, लाइन नहीं मारी आपने, लेकिन कॉस्ट्यूम था, कॉस्ट्यूम के पैसे भी स्कूल वालों ने हमसे ही लिए थे। ये तो होता था। हाँ, ये क्यों करते थे यार, और कहाँ से लाते वो कॉस्ट्यूम? अगर आप उनको पैसे ना दें तो आपको स्विमिंग कॉस्ट्यूम बना दिया करते थे। स्विमिंग कॉस्ट्यूम का दिया। मैंने आपको 2008 या 2009 में देखा था, आर्ट्स काउंसिल पे कोई परफॉर्मिंग आर्ट फेस्टिवल था, उसमें एक बड़ा आइकॉनिक जोक याद, रिसेंटली बताया भी था मैंने, कैपरी साबुन पे 7 अप का ढक्कन, अभी तक याद है ये बात। वो लगाते थे मिडिल क्लास लोग जो थे ना एक जमाने में, कैपरी साबुन पे 7 अप का ढक्कन लगा के मैग्नेट से ऊपर चिपका दिया करते थे। यार ये कितनी ब्रिलियंट चीज है, कितनी ब्रिलियंट चीज है, उस टाइम पे उस चीज का था नहीं। हाँ, डिस्पेंसर नहीं, डिस्पेंसर का कॉन्सेप्ट, और सोप भाग जाता था, सोप भाग जाता था, कुछ करके निकल गया, और सब जमीन पे पड़ा हुआ है, उस पे छोटे छोटे बाल लगे, बाल लगे। अच्छा, सोसाइटी में डॉक्टर्स इंजीनियर्स की इज्जत है, सीए कर लिया तो इज्जत है, तुमने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, बिल्कुल, और तुम नस से भी पढ़े और अमेरिका से भी पढ़े, बिल्कुल, दोनों जगह एडमिशन किसी आम आदमी को नहीं मिलता, नस में मिल जाता, मुश्किल से मिलता है यार, कितने गरीबों को मिला हुआ यहाँ पे यार। तो ये नस में मुश्किल से एडमिशन मिलता है, क्राइटेरिया मुश्किल है, रहना भी मुश्किल है, हैवी फौजियों का। तो ये सब छोड़ के क्या इंजीनियर्स को क्या कुचली होती है कॉमेडियन बनने की? मैं भी उसी का शिकार हूं। मुझे ये लगता है कि इंजीनियर एक इनहेरेंटली इंट्रोस्पेक्टिव आदमी है, थोड़ा इंट्रोवर्टेड कह लें। हाँ। तो उसको शायद होता है कि अपने ख्यालात दूसरों के साथ शेयर किया जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि जो इंजीनियरिंग होती है, एक तो लड़कों की डोमिनेंट फील्ड है पाकिस्तान में, ज्यादातर लड़कियां, शिकायत यही होती है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वालों की, या लड़कियां नहीं होती यूनिवर्सिटी में। हाँ। सबसे ज्यादा ये नहीं, स्टैंडर्ड नहीं है, ये नहीं, पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, ये भी नहीं, बिल्कुल लड़कियां नहीं। और पता है किस हद तक, नस्ट में बड़ा माहौल था फौजियों वाला, मैंने फिर भी बाल लंबे किए। जी जी, ठीक है, मुझे पीछे से लोग फॉलो करना शुरू हो जाते थे। हाँ। जब मैं बाल खोल के घूमता था। हाँ। तो ये है इतनी लेवल ऑफ डेस्परेशन। मैं यूं देखूं वो नजर चुभा रहे। हाँ। अच्छा, खूबसूरत लड़के डिमांड में रहते थे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। हाँ। डिमांड में रहते थे, डिमांड चलो इन्हीं से। तो अच्छा, अब आते हैं यार कॉमेडी के कल्चर पे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं बड़ा, मेरा मैं चाहता हूँ
कि ये एपिसोड वायरल हो इंशाल्लाह। पहला मेरा उसमें एफर्ट था कि मैं बाल खोल के आऊंगा, लेकिन मेकअप वाले ने स्वेटिंग कह दी, वो चाहते ही नहीं मेरे से आगे कोई बढ़े। बिल्कुल। दूसरा मैंने बड़ी कोशिश की, हुआ नहीं, तो मैंने अल्टरनेटिव एक लिया, छालिया लिया। नहीं, शेरू। मैं वहां देख के बात करूंगा यार, मैं शेरू को नहीं देखूंगा ये। अरे मैं देख उस दिन भी नहीं रहा था यार। बासित मुझे थोड़ी टेप दे दे अगर तो मैं लगा लूं यार। बासित मत देखो शेर, तुम ही मत देखो बेटा। मैंने कोशिश की कि मैं वो शर्ट ले लूं मथीरा से यार, उनको पहने रहने दो यार, ये के बाद भी मथीरा मेरे पहुंच में नहीं आई। मैंने मैसेज निकाल दिया, मुझे सुबह प्रिंट करके दो। वो सेठ वाले नहीं होते। सुबह उठो बिलबोर्ड लगाना चाहिए। अच्छा सुबह उठने से याद आया अकबर, अगर तुम रात में सो सुबह उठो और तुम खातून बन चुके, ठीक है, पहला रिएक्शन क्या होगा? मैं कहूंगा अच्छा है। इस बहाने लड़की तो मिली, इस बहाने खुद ही बन गए। बिल्कुल, पर्सनल लेवल ने आपसे एडजस्ट कर लिया कुछ। कैफियत मर्दाना ही रहेंगी। वो मैं थोड़ी वो वाली थोड़ी जो ना कस के जो रखने वाली, बंबई खा रही है कैसी है, ऐसी लड़की, मैं ऐसी लड़की हूँ। थोड़ा मैं करने नहीं दूंगा किसी को, चंबे शंबे मोबाइल चुरा लिया, चलती फिरती चलती फिरती रवा रनिंग में जो ये टर्म बहुत पसंद है मुझे, रनिंग में आइटम यार ये सबसे। देखो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी फिर आ गई इसमें, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जो लड़के जिनकी बाइकें होती थी ना, उनकी 4 साल तक बाइक रनिंग पे रहती थी यार, खुदा ही कसम, ताकि डबल पे ना बिठाना पड़े किसी को। यार बिठा नहीं सकता, रनिंग पे है भाई, हर वक्त रनिंग पे रहती थी यार। ये टर्मिनोलॉजी आप कमेडियन है आप समझते हैं, जो अल्फाज का चुनाव है कितना जबरदस्त हो जाता है। जैसे हमने स्पेसिफिक उसकी बात की, अल्फाज के चुनाव से भी, जैसे हम अक्सर बात करते हैं जौहर वाली टर्मिनोलॉजी है, वो आ जाते हैं, ये आपने ही सिखाया है। हाँ। लेडीज की आप चौंक उठाते हैं, चौंक उठा दी, क्या बात, चौंक उठा दी, आप अट्रैक्ट नहीं करते, इंप्रेस नहीं करते, चौंक उठाते, चौंक उठाते, मेरे भाई ने बच्ची की चौंक उठा दी, और चौंक भी नहीं, एन है इसमें, इसमें हर चीज में एन जरूरी, एन जरूरी है, क्रांची क्यों, घास घास घास, बैटरी यार, बैटरी का सुन लिया, बैटरी, मेरा ड्राइवर क्या था यार, गाड़ी में बैटरी में ना पानी नहीं है, चेंचेस भी तो होते हैं, चेंचेस यार, चेंचेस टेढ़ा हुआ है तेरी गाड़ी का, सुना अभी रिसेंटली मैंने, बस इसका ना चेंचेस टेंपर हुआ है, चेंचेस क्या मतलब क्या है इसका? अच्छा मैंने किसी को बोला यार गाड़ी की चेसी सही है, क्या चैसी क्या होती है? ये नहीं चलता, आप कन्वेंशनल इंग्लिश में शैसी, नहीं शैसी नहीं, वो नहीं, क्या है, व्हाट इज दिस, ये होती नहीं हमारी गाड़ी, गाली क्यों दे रहे तुम तो वो आदमी जो रहता क्लिफ्टन में है, मगर उसका दिल गुलशन में, दिल गुलशन, दिल नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची कर लो, नहीं नहीं नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद। मैं क्यों कहता हूँ, अली भाई जो है, अली भाई मुझे कहते हैं अली अब्दुल्ला, के अगर आप डिफेंस के नहीं होते, आप यूनिट के लड़के होते फॉर श्योर, फॉर श्योर, अब थे आपके अंदर है वो कैटेगरी है, मैं, लेकिन आप थोड़े स्ट्रॉन्ग हो उसके लिए, स्ट्रॉन्ग हूँ यूनिट के लड़के के लिए, स्ट्रॉन्ग होना वो है कि आप नहीं मतलब फिजिकली या थोड़ा मेंटली, फिजिकली, अच्छा फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग होंगे ना, तो फिर आपके तो अपने पर्सनल भरम हो गए, अच्छा भरम सिर्फ पार्टी के हो सकते, बॉडी के नहीं हो सकते, ये टेक्निकल मसाइल है, इन दोनों चीजों को लेके चलना, लेके चलना, बाकी सब चीजें बोलो भाई छोड़ देनी, छोड़ देनी। अच्छा लगता है कि सवाल लिख के दिया है कि तुम्हें बर्गर पसंद नहीं है, बर्गर्स, बल्कि बर्गर्स क्यों पसंद नहीं है, तुम्हारे अपने इलाके के लोग, मैं, अच्छा तुम्हारे अपने गांव के लोग, ये ना पसंद इज अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, ठीक है, मुझे फैसिनेट करते हैं बर्गर्स, अच्छा हाँ, मुझे मैलापन जो है, अगर हम इसको एक एक बाइनरी तरीके से देखें, मैला और बर्गर ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, लेकिन इसमें ग्रे एरिया भी बहुत है, वैसे हम जैसे लोग, हम जैसे बर्गर करते हैं दोनों साइडों पे, बर्गर फैसिनेट करते हैं मुझे, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो लाइफ है मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये लाइफ एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल दीजिए, मैं अभी रिसेंटली एक बर्गरों के अड्डे पे गया, ठीक है 26 स्ट्रीट पे है, वैंग वैंग नाम है, बिल्कुल बिल्कुल, अब नाम देख लें पहले, वैंग तो आपको पता है क्या होता है, ठीक है, वैंग वैंग नाम है उसका, वैंग वैंग, अच्छा दो बार वैंग, इतना दो बार वैंग वैंग, वैंग ब्रदर्स नाम नहीं, शुगर करो वो मुझे लगता है हो सकता था, ये उन्होंने कहा नहीं करते, ये बिल्कुल हुआ है ना, जैसे बचपन में नहीं हम कोई गेम इन्वेंट करते थे उसको डबल करते थे, डबल डबल क्रिकेट क्रिकेट, मैं गया वहां पे, चाइनीज रेस्टोरेंट है, चाइनीज में भी वैंग वैंग लिखा है, जाहिर है नहीं, कैसे पता चला तुम्हें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, चाइनीज में कुछ हो सकता है और लिखा, आप कब्जा कर लेंगे ये लिखा हो
हमारी और कोई ब्रांच नहीं है, इस तरह कुछ करके चाइनीज भी मेले चल रहे हैं ना। खैर मैं गया वहां पे, छत पे सेटअप है, बड़ा बेसिक सा सेटअप है, ठीक है। वहां पे जो टेबल है मार्बल की, वो जैसे जायद न्यारी के नहीं मार्बल होते है, उनमें ही मार्बल है, मार्बल है। स्टूल भी बिल्कुल वैसे जायद वाला, कोर्ट की कैफेटेरिया वाले, ठीक है। वहां हम बैठे, वहां उन्होंने टेबल पे लाके चूल्हा रख दिया, चूल्हा भी टेबल पे रख दिया, चूल्हा टेबल पे रख दिया, उसमें आके उन्होंने लाइटर से जलाया, ठीक है। अब मुझमें वो जो नहीं, जो शादी के बच्चों वाला एक कमरा एक होता है, मुझे हुआ कि मैं इसमें स्ट्रॉ पिघलाऊं, चीजें पिघलाऊं, थोड़ा करूं, गंद करूं, उंगली हुई करूं, छुआरे मांगने का भी दिल किया, दो देना, दो देना, फिर लेके हमें तो मिला ही नहीं, इस तरह करके ना। फिर उसने आके चूल्हा रख दिया, चूल्हे में आके थोड़ा मसाला डाला, पानी डाला, चूल्हा जला दिया, उसमें उबल रहा है और मंडप बन गया, फिर शुरू हो गया। फिर जो है अच्छा खासा सामान लाके रख दिया कि भाई आप खुद पकाएं, यही तो बर्गर बना है, इसमें बर्गर आवाम खुश है भाई, खुश है, खुद कर रहा हूं यार मैं, इट्स एन एक्सपीरियंस ब्रो, या इट्स नथिंग लाइक इट, इट्स लाइक गोइंग टू चाइना। घर पे अंडे नहीं बन रहे, घर पे अंडे नहीं बन रहे, अरे यार आप उबला हुआ मतलब बीफ खा रहे हैं, नूडल खा रहे हैं, उसमें बस डालते रहे, ठीक है, तो कुछ पकाना नहीं, कुछ केमिस्ट्री नहीं, उसने बता दिया ये 2 मिनट में पकेगा, ये 3 मिनट में पकेगा, आप उसमें डालते रहे और खाते रहे, और बस ये, और पैसे भी वही ले, पैसे 6,000 रुपए दो लोग के, खाना आपने खुद बनाया। अगर ये इसकी कीमत कम कर देना वहां जाएंगे नहीं लोग, नहीं एग्जैक्टली, तो ये बर्गर में मुझे फैसिनेट करते हैं। और इसमें सबसे फैसिनेटिंग चीज थी, क्योंकि वो जो हेड वेटर था वो चाइनीज बंदा था, उसने एक नोटबुक रखी थी, रिजर्वेशन वो नाम के अगेंस्ट नहीं ले रहा था, वो मोबाइल नंबर के अगेंस्ट ले रहा था, तो आपने मोबाइल नंबर अपना बताना है जाके उसे, मैं सोचा कोई जैसे हमारा कोई सिराई की भाई आ जाए आपके पास, 0355 चाइनीज बंदा हैंग हो जाएगा, 353 256 समझ जाए, हाँ वो भी क्या। अच्छा ये जो कॉमेडियंस होते हैं, हम और भी लोग हैं, हम दोनों क्या कह रहे हैं, तो हमारे साथ लोगों को आके ना फौरन अपनी कॉमेडी तो झाड़नी होती है, कॉमेडी। मैं जैसे मेरी शादी हुई ना, तो मेरा एक जानने वाले ना स्टेज पे छुआरा लिया है, ठीक है, यूं रख के कहना ताबिज मिल बोल रहे हो तुम दोनों। मैंने कहा यार वेरी गुड, यार वेरी गुड, आप भी टीवीएच कर सकते हो। ये आपका एक अच्छा वो बन गया है, कोई किसी की लेनी हो ना, हाँ जैसे उमर शरीफ नहीं कहते थे कि वो इतना लाफ्टर मत लो मैं जमीन पे लोटपोट हो जाऊंगा, इसी तरह का ये। लेकिन मुझे इस पे ना जलती इसलिए ताविज भाई कि अगर आप पे कोई रोस्ट कर दे, इंसल्ट कर दे, ले ले, अच्छा करे तो समझ भी आता, हल्की कर दे, ये बिल्कुल बेकार की बात। मुझे कोई आके बाल पे कहता है कि तुम मर्दों की एंजेलिन मलिक लग रही हो, ठीक है, या फिर आपदा परवीन मीका हसन का मुस्तफा चौधरी प्लस, मुस्तफा चौधरी प्लस बिल्कुल, अरे हाँ वैसे मैं पहला चौधरी लंबे बाल वाला नहीं हूँ, चौधरी में नाई नहीं होते क्या, क्या है ये चौधरी, शुजात का असर में चौधरी पहले लग गया है, जिसका चौधरी बाद में है उसका वो, है वो नाई को अपने डिसमिस कर देता है। अच्छा अकबर एक कॉन्सेप्ट जो मैंने शायद पाकिस्तान में ही देखा सिर्फ, एक तो स्टैंड अप कॉमेडी शो होता है और एक होता है डर्टी कॉमेडी नाइट, ये अलग अलग होता है, बिल्कुल बिल्कुल, ये अलग अलग क्यों होता है भाई, अलग पैकेज किया जाता है ना ये, हाँ ये डैडी के डैडी भी होते हैं, डैडी के डैडी भी होते हैं, 3-4 डैडी हैं, ये एक नहीं है, ये डैडी का कोई एक बाप नहीं, एक बाप नहीं, बच्चे घूम रहे हैं यार डैडी डैडी, हाँ तो ये डैडी कॉमेडी क्या है और कितनी डैडी है और करके मत दिखा देना, लेकिन और ये नॉर्मल कॉमेडी से अलग क्यों है और क्यों करनी पड़ी, क्यों करनी पड़ी, इसका जवाब यह ताविज भाई, डर्टी कॉमेडी ऐसी नहीं है जो शायद इमेजिन कर रहे हैं कि बस जानम ही है, तो वैसी मैं नहीं अग्री करता, मैं गया हूँ एक बार यार, आप शायद हमारे वाले में नहीं आए, नहीं आपके वाले में नहीं आए, मैं वहीं गया डैडी में, डैडी के पास गया था मैं, तो डर्टी कॉमेडी इज द इक्विवेलेंट ऑफ नॉर्मल कॉमेडी इन एनी वेस्टर्न कल्चर, यस ठीक है, नो या यहाँ पे इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हम अगर उतनी खुल के बात करें एक फैमिली ऑडियंस में तो लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं, ऑफेंड होते हैं, ऑब्जेक्ट करते हैं, उठ के चले जाते हैं, तो सिर्फ ये फर्क है कि आप बता के अगर करें तो लोग नहीं बुरा मानते। अच्छा यार आप बता दिए ना, आप दो गाली मुझे को, मुझे कहो बजाओ, यही हो रहा होता है आप लोगों की मतलब बजा रहे हैं, गंदी बजा रहे हैं, गंदी मतलब खोल के फेंक दिया, लेकिन अरे वाह क्या बात, आपने हमारी क्या ली, वाह भाई आप घर तक छोड़ के आयो, हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए तुम कॉमेडी के अलावा एक बहुत फिट एक सीरीज निकालते हो, हर हफ्ते रिव्यू करते हो, जो मीम्स होती हैं, जो लेटेस्ट न्यूज होती हैं, रेंटी रोने के नाम, बिल्कुल बिल्कुल रेंटी रोने के नाम, ये रेंटी रोना
मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं अगर उर्दू में बात करूं, मैं अपने दिल की भड़ास निकालूं और मैं ये सब काम 3 मिनट में कर लूं तो लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। सही है, ठीक है। तो ये होने लगा, तुम्हारी भड़ास 3 मिनट में निकल जाती है। मेरी निकल आती है, ये हमारी पाकिस्तानी मर्दों के टाइम ज्यादा लगता नहीं। भड़ास में तो अक्सर 3 मिनट भी ज्यादा बता दिया मैंने। इट्स अ लाइफ टाइम, अक्सर इसमें दो प्रोग्राम हो जाते हैं लेकिन दो फंक्शन निपटा लेते हैं। दो फंक्शन निपटा, दो फंक्शन, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। खैर, फर्स्ट हाफ होता है, सेकंड क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट टाइम भी देखा है मैंने, फर्स्ट टाइम सेकंड हाफ। हाँ, पहला शॉट, पहला शॉट। तो इसमें ताविज भाई, रेंटी रोने में ये चीज समझ में आई कि लोग देखना चाहते हैं कि वीकली न्यूज बट नॉट न्यूज न्यूज लाइक पॉलिटिकल न्यूज, अजीब चीजें जो कि हमारे यहाँ हर रोज हो रही होती है। खबर, एग्जांपल, एग्जांपल आज जो कल जो चल रहा है, एक इंडियन ड्रामा है, उसमें एक दुल्हन रेडी बैठी है, ठीक है, साथ में 3-4 दूल्हे हैं, उनको एक शर्त दे दी कि जो मेरे लिए चांद तोड़ के लाएगा उससे मैं शादी कर लूंगी। ओके, अब इसके अराउंड में तैयार होके बैठे, तैयार हैं, उसको लगता है इंस्टेंट हो जाएगा ये काम। हाँ, इंस्टेंट, और वो हो भी गया। वो दूल्हा किसी तरह गाड़ी में बैठा, गाड़ी चांद तक पहुंच गई, उसने वॉन्ड से कुछ मंत्र पढ़ा, चांद टूट के जमीन पे, शादी हो गई। इस पे खवातीन के लिए क्या, डोंट सेटल फॉर यू नो मीडियोक्रिटी। आप मांगे, आप मिलेनियम पे एक बोतल पे जो मान जाती है, और वो भी 2 स्ट्रॉ पड़े यार उस बोतल, 2 स्ट्रॉ, और वो ज्यादा पी रहा लड़का। मैंने यार खुदाई कसम, मैं इन चीजों को ऑब्जर्व करता हूँ। मैं KFC में जो एक कप के अंदर 2 स्ट्रॉ होते हैं ना, मैं लड़के कल्ले नोट कर रहा होता हूँ, 2 चुके यूं होते, लड़की सिर्फ देख रही होती है, लड़का उसका स्ट्रॉ ही पकड़ा हुआ होता है अक्सर दबा के ना। इसमें एक बड़ी फनी चीज हुई रिसेंटली, मैंने मुझे ना इनबॉक्स भी बड़े अजीब से आते हैं। प्लीज, तो किसी ने कहा कि अगली वीडियो में ना आप मेरी दोस्त के लिए लानत भेजें, उसने मेरे 5,000 रुपए खाए में, ठीक है, मुझे बड़ा फनी लगा, लानत बनती है, मुझे बड़ा फनी लगा, मैंने स्क्रीनशॉट करके अपनी स्टोरी पे लगा दिया। मैं मजाक नहीं कर रहा ताविज भाई, उसके 24 घंटे बाद मुझे 100 से ज्यादा मैसेज आए कि प्लीज मेरी बिहाफ पे भी लानत भेज दे, इतने लोग के पैसे खाए में यार उसी लड़की ने। लोग कहते हैं जुनैद अकरम ने तुमसे ज्यादा माइंडसेट चेंज किए। जुनैद भाई जो है वो बेहतर बातें करते हैं मुझे लगता है मुझसे। अचानक से, हाँ अचानक तुमने देखा ट्रांजिशन हुई जुनैद अकरम की। हाँ, पहले सिर्फ फनी 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 कॉमेडी आ रही थी, अचानक से मैंने देखा यार बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए। हाँ, लेकिन मैंने बात की जुनैद अकरम से, वो भी इसी तरह एक डिप्रेशन महसूस करते हैं कि यार आप करने जाओ माइंड चेंज, उसके बाद गालियां पड़ रही हो तो किसका दिल चाहता है। एग्जैक्टली, उसमें भी कहा तू तो अपने को तो देख ले, होता है ना, अपने को तो देख, इसके बाल देखो यहूदी। यार मेरे ना एक बार जब दाढ़ी नहीं आ रही थी, यहीं पे आती थी सर, तो एक दिन साहब रखे, बेटा इधर आओ, मिला मुला इस तरह आते ना अंकल, बेटा इधर आओ, ये जरूर केबिन पे हुआ होगा। हाँ, खड़े हुए, अच्छा खुद ना मावा खा रहे हैं। हाँ, यूं करके ना मुझे देखा, यूं कर, बेटा इधर आओ, एक बात करूँ, चंदा थोड़ी को हाथ लगा रहा हूँ आपके, प्यार से बता रहा हूँ, ये दाढ़ी यहूदियों की है, आप मत। मैंने कहा सर ये दाढ़ी मेरी है, टेक्निकल मसला ये सिर्फ यहीं आ रही है, ठीक थी, और फिर लिख लियो खुद पैसा नहीं दे रहा टाइम पर, नहीं नहीं नहीं, मेरी दाढ़ी यहूदियों की। यार केबिन ताविज भाई, आपके ख्याल से अमेजिंग जगह नहीं है? मेरे ख्याल से अगर कोई एक बार का इक्विवेलेंट एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में तो वो केबिन है। वहां पे इस तरह के अंकल तो हमेशा होंगे जो रेडी हैं एडवाइस देने के। हाँ हाँ, ठीक है। मैं एक दफा सनी छालिया ले रहा था, तो सनी से स्पॉन्सर तो होकर नहीं आया कहीं, शुरू में बटन खोलना शुरू हो गया सनी। It's always sunny. अच्छा ये लोग बोलते हैं नार्सिसिस्ट होते हैं छालिया वाले। हाँ, सही है ना, इनकी आप देखोगे 9 out of 10 times छालिया में तस्वीर भी होती है। हाँ, छालिया और खलीलुर रहमान कमर जैसी तस्वीर है, टेस्टी छालिया वाले को देखो आप। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, मुंबई 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 पे, मुंबई पे खलील भाई बने हुए। बिल्कुल, खलील भाई बने, वो एक है ब्रांड एम्बेसडर है उनके, शायद बेहतर ही है कुछ काम जो है। एनीवे, तो ये यही साहब मुझे एडवाइस वाले अंकल जो है वो खड़े हैं। ये भी एक चौड़ापन है कि आवाज नहीं, बोलना नहीं है, इशारों पे। क्या हो गया, अब उनको इतना इंपॉर्टेंट लगा कि उन्होंने अपना गुटखा खर्चा किया, एसिड फेंक दिया, एसिड फेंक दिया, एसिड उन्होंने डिस्पोज किया, ठीक है। कहते हैं कि बेटा इससे ना पचरी होती है, चालिया से, सनी से पर्टिकुलरली, ये लो बंबई खाओ। अच्छा, छालिया करके खाते हो या करके
कर दो ये कौन से वाले फिरके से बी बी ऑप्शन बी ऑप्शन से थूक ये वाला अच्छा ये अलग है ये सी में आता है ये सी कैटेगरी ये वाला ये तो फिल्मों ये तो ऐड में आती थी हाँ ये ऐड तुलसी मैंने रियल लाइफ में ये वाला नहीं देखा हाँ ये नहीं ये सिर्फ ऐड में देखा है मीरा खा रही रेशम खा रही इस तरह खा रही या तो हाँ फेंक दी या फिर जेब में डाला प्रेपर जेब में नहीं अच्छा लोग ये भी करते हैं सिगरेट के आगे फंसा लेते बात के लिए अच्छा कुछ सिर्फ दो दो दाने करके निकालते हैं छालिया दो दो दाने करके अब चल रही हो अच्छा छालिया निकलते हो या थूकते हो ये भी दो एक फिरके हैं दो ये दो फिरके हैं कोई चूस के खा लेते हैं मैं खा लेता हूँ आप खा लेते मैं खा लेता हूँ वो अंकल ने कहा था ना पथरी हो जाती अच्छा ये बताओ कि परफॉर्म किया हजारों बार बहुत फनी सिचुएशन हुई है परफॉर्म करने के दौरान इसी स्टेज पे ठीक है आदि का हमने जिक्र किया इस तरह नहीं बोलो इसी यही वो मुकाम था यही वो मुकाम था आदि हमारे साथ जब होते थे सर आदि हमारे साथ जब होते थे तो हम इसी स्टेज पे इम्प्रोव एज लॉल वाले परफॉर्म कर रहे थे और ड्यूरिंग परफॉर्मेंस आदि की पैंट फट गई यहाँ ठीक है अब वो चीज परफॉर्मेंस का पार्ट था वो नहीं ये भी इम्प्रोव था ये भी इम्प्रोव तो ये चीज ऑडियंस ने जाहिर है पहले रियलाइज कर ली ऑडियंस ने की आदि को बाद में समझ आई कि हवा ज्यादा लग रही है ठंड लगी ठंड लगी जहाँ नहीं लगनी चाहिए कनेक्शन डायरेक्ट कर दिया मतलब गर्म जगह ठंड लग रही है तो मेड परफॉर्मेंस फिर आदि कुछ यूं करके से बाइक पे लेडीज बैठती हैं यूं करके वो गए यहाँ से अंदर हुए फिर वो जो नहीं एडमिन के लड़के हनीमून पे जाते हैं एडमिन के लड़के हाँ नॉर्दर्न एरियाज हनीमून पे जाते हैं तो वो यूं बांध भी लेते हैं तो वो उस तरह करके फिर आए फिर परफॉर्मेंस चली यार जब कोई इस तरह बांधते हैं ना तो मैं उनसे पूछता हूँ जाके यार आपको वही सर्दी लग रही है बस अच्छा अकबर एक तो देखो पाकिस्तान में एक अलग अलग टेक्नोलॉजी है यूजली दुनिया भर में गांव के लोगों को पता होता है कि यार बकरे कैसे होते हैं बकरियां कैसी होती हैं क्या है इनका क्या हिसाब गाय बैल हमारे यहाँ सिटी के जो अर्बन एरियाज के लौंडे उनकी ये नॉलेज होती है बकरे चेक कर लेना दो दांत हैं इसके हैं कौन सी ब्रांड का है और विदाउट मतलब हेजिटेशन बकरा पकड़ लिए ऐसे शादियों पे छोटे बच्चों की आंटियां नहीं पकड़ लेती और बकरी भी अक्सर अब तो ट्रेन हो चुकी है आधी दौड़ खोल के बढ़ जाते पहले मैं हूँ बहुत खस्सी अगर तुम किसी गांव में जाके किसी दुनिया में किसी शहर चले जाओ उनको पता भी नहीं होगा दो दांत भी होते हैं बकरे के यार जवानी में बिल्कुल खस्सी आंडू भी कोई टेक्निक है ये नहीं होता कुछ हमारे इतना बड़ा ये प्रॉब्लम होता था ग्रोइंग अप के किसी मोहल्ले का बकरा आंडू निकला हाँ कितना प्रॉब्लमेटिक बहुत प्रॉब्लम और सब देखने आ रहे हैं वो देख चढ़ावा चढ़ावा अर्ली एज से हमें इनटॉलरेंस डिस्क्रिमिनेशन ये सारी चीजें हमें डाली गई हैं अच्छा मैं मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी बाखुदा क्योंकि मैं शौक नहीं था मुझे जाने का लाने का तो अब मैं ना वो जो भी चीज आए उसको बैल ही बोलूं एक दिन मैं खड़ा होता आया तेरा बैल टाइट है छोटा बच्चा क्या ये तेज भाई गाय तुझे कैसे पता ये देखो आप ये नॉलेज ये एक अजीब सी बात है और ये इस तरह के जो बच्चों का कॉन्फिडेंस होता है ये नेक्स्ट लेवल है मुझे ये चाहिए नेक्स्ट लेवल और छोटे छोटे बच्चे इतना तो बड़ा बड़ा बैल लेके जा रहे होते हैं यार बैल सांस ले लो बच्चा उसकी नथनों में चला जाए इतना अच्छा अब ये बताओ तुम सुबह उठ रहे हो फिर से तुम्हें सुबह उठा रहा हूँ मैं अब तुम जो है ना वो निदा यासर बन चुके मॉर्निंग शो में अब वहां जाके तुम्हारा क्या एटीट्यूड होगा चौड़े भी होंगे चौड़े भी हाँ क्या दो लोग ऐसे रैंडम देखे शादी करा दी उनकी रैंडम दो कैमरा मैन है उनकी करा दी हम प्रोग्रेसिव मॉर्निंग शो है मैं एक्चुअली इतना नहीं निदा यासर को फॉलो किया उनके जो भंड होते हैं वही देखते हैं वही गलत बात है जो सैड बात है लास्ट भंड कौन सा याद है वो यार अजीब अजीब हरकतें हैं यार बड़ी नॉर्मल सी डे टू डे किस्म की खवातीन बैठी हैं उनके सामने आके जी मैंने गुची लिया मैंने प्राडा लिया मैं यूरोप गई थी मैंने ये लिया क्या है ये क्यों कर रहे हैं तू तो इतवार बाजार के बताएगा बाजी 350 का मिल रहा है ये लियो आप मैंने 100 में लिया मैं इस तरह जलील हुआ हूँ इतवार बाजार में मुझे येलो शर्ट लेनी थी एक प्ले के लिए ठीक है मैं गया मैंने माइंड में पहली दफा गया इतवार बाजार आपको होता है ना हाइप किया हुआ होता है वो जो बता रहे हैं चले जाना ये कीमत हमेशा 10 times बताएंगे येलो शर्ट मुझे दी 25 रुपए की बड़े बाजार बहुत रीजनेबल प्राइस है मैं कहा मेरे पास 10 रुपए लानत दिखाई और फिर दी भी नहीं 25 में 50 की ली ये बताओ कि आप फीमेल अटेंशन ज्यादा मिलती है मिलती है कोई ऐसा इंसिडेंट बालों में क्या लगाते हैं बालों का काफी वो आती है कि ओ माय गॉड योर कर्ल्स व्हाट्स योर मेथड मैं कहा यार जो घर में साबुन चल रहा है मैं लगा लेता हूं इसके बाद मैसेज नहीं आता
आती है फीमेल अटेंशन, बट सही है यार, अब शादी बेगम का क्या रिएक्शन है? बेगम के साथ नहीं शेयर करते नहीं, बेगम को भी पता है ऑब्वियसली, मतलब ये है व्हेन यू आपके साथ भी है, एनी टाइम यू आर अ पब्लिक फिगर तो, और जरूरी नहीं है फीमेल अटेंशन को एक एक नेगेटिव वो भी दे दिया जाता है। हाँ, खवातीन हमसे कहीं ज्यादा बेहतर इवॉल्व्ड है। हाँ, हाँ। एक मर्द का मकसद औरत को मैसेज करना एक ही होता है। हाँ। खवातीन का मुख्तलिफ हो सकता है, खवातीन सिर्फ अप्रिशिएट भी कर सकती है। ऐसा है, ओ यू आर सो फनी, इसका मतलब ये नहीं है, यही है, ओ यू आर सो फनी, लेट्स बी फनी टुगेदर, ये नहीं। बहुत बहुत मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये बहुत मेजर डिफरेंस है। हाँ। अगर आपको लड़का मैसेज कर रहा है ना किसी खातून को कि यार आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब वही है। हाँ। मगर लड़की अगर कर रही है ना कि कंटेंट आपका बहुत अच्छा है, तो मतलब यही है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, फैन ने सबसे ज्यादा वेट चीज क्या की है? एक दफा मुझे हमारा था क्रिकेट टूर्नामेंट भी होना था, ठीक है, तो उसमें कहा कि हमें अपनी टीम में डालो लॉल वाले की। मैंने कहा मैं किस बेसिस पे डालू, कहता है मैं अच्छा बॉलर हूं। मैंने कहा कोई प्रूफ दो, उसने अपनी रनों की तस्वीरें बॉलिंग शाइन कर दिया, बिल्कुल वहां पे ना लाल लाल हुआ तो मैंने रख लिया उसे, और मैं बॉलर बहुत अच्छा, हैवी बॉलर, ये अच्छा था, रन तस्वीर भेज दिया, मैंने इतनी कमिटमेंट है तो रखना बंद, उसने डायरेक्ट कर दिया, आपने डायरेक्ट कर दिया, बिल्कुल। सेक्सी पिक्चर लेने की कोशिश की आपने? हाँ। कैसे लेते हो सेक्सी पिक्चर? फिल्टर लगा के, ओरिजिनल में अच्छा नहीं आते। फिल्टर कौन सा लगाते हो? तुम्हारी मैंने वो देखी है जो वो जो फेस ऐप, फेस स्वैप वाली बहुत खूबसूरत लड़की, लेडीज में मुझे अक्सर लोगों ने बोला भी है कि आप अच्छा कर लेते हो, अच्छा करते हो, आप हमारे हो, आप हम में से हो। लाइफ की वो कौन सी चीज आज तक मिस्ट्री है तेरे लिए? छोड़ दे, ये नहीं है, कोई ऐसी चीज तेरे बारे में अभी तक ना जानते हो लोग? मैं बहुत अच्छा मैथमेटिशियन हूँ। ओके, मतलब अच्छा ये नहीं कि वो केबिन वाले की तरह हिसाब रख लेता हूँ, लाइक मैथ तुम्हारी, मतलब मैं इंटीग्रेशन दिमाग में कर लूँ, ग्रीन्स थ्योरम, डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, वेरी गुड, मैं कर लूंगा। मैंने भी फौरन अपनी नॉलेज झाड़ी, मैं भी हल्का नहीं, हम लोग इंजीनियर लोग हैं ना यार। ग्रीन थ्योरम में क्या होता है अभी बताओ यार, ग्रीन डबल इंटीग्रल, ट्रिपल कॉन्टूर इंटीग्रल या लाइन इंटीग्रल, क्या हो रहा है, हट गई ना, ये अच्छा, ये अच्छा। पहली दफा धावेश के शो पे चुप कराया किसी ने? नहीं 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 नहीं, मैथमेटिक्स में दूसरी दफा, पहले किसी, इसका कोई तो फायदा हुआ ना यार। मैं ये कहता हूँ जो आदमी ओरिजिनल आएगा ना मैं चुप रहूंगा, फेक बनोगे ना मैंने नहीं छोड़ना, ये बिल्कुल सही है, लेनी है फिर छोड़ना पाई। अगर सीक्रेट सोसाइटी बनाने का मौका मिले तो कौन सी सीक्रेट सोसाइटी बनाओगे? हॉट एंड स्पाइसी के रोल की सीक्रेट सोसाइटी। क्या होगा उस रोल में, ऐसा सीक्रेट क्या होगा? रोल का नशा का रोल चला रहे। अरे दूसरी एक और नशा, मैंने अपने इंडियन फ्रेंड से पूछा यार इंडिया में किस तरह के नशे होते, तो कहने लगे भाई कुछ नहीं छोड़ रहे वो लोग, डबल लोटी पे आयोडेक्स लगा के सैंडविच, मजाक नहीं कर रही है, और ये भाई करने के लिए नहीं बता रहे हैं आपको, बचने के लिए बता रहे हैं, बहुत गंदी गंदी चीजें हैं यार ये, डबल और खा रहे हैं नहीं लगा रहे, अबे भाई खाई नहीं लगाएंगे ना डबल रोटी पे, मतलब यू लगा लिए कल्ले पे, दो टोस्ट लगाए घूम रहे हैं, खाते हैं गॉर्डन रैमसी की मीम की तरह, सुबह नाश्ते में टोस्ट पकड़ा हुआ है, वेयर इज माय आयोडेक्स। क्रिएटिविटी बहुत है नशे में, बहुत अच्छा। कुछ लोग नशा करते थे जमाने, नींद की गोलियां खा रहे सो नहीं रहे, ये नशा है, ये भी नशा है यार, बस सोऊंगा। अच्छा कुछ लोग नशों से आता है, नशों में बात हो जाए, कभी होती नहीं है, कुछ लोग नहीं होते, आप बैठे हो नशे ही कर रहे हैं। हाँ। एक जुमला जो आता है सबसे ज्यादा, तेरे भाई को चढ़ती नहीं है। देखा है ना, अभी तो क्यों कर रहा है भाई, भाई चढ़े हुए होंगे वहां पे, यूं बैठे हुए अलमारी पे चढ़े हुए, तेरे भाई को चढ़ती नहीं है, अजीब मसला है, चढ़ती नहीं है। और ये इसका एक विवलेंट बर्गर में भी है कि वो ब्रो दिस स्टफ इज लाइट, हाँ लाइट है थोड़ा, स्मूथ स्मूथ है, इज इट स्मूथ और लाइट। और बर्गरों के नशावर हालात जो है उसमें ना वो भी रनिंग में चल रहे होते हैं, प्लीज है ना, एक एक आवाज चल रही है, आवाज चल रही है, इंजन रनिंग पे होता है, ब्रो लाइफ इज life is so difficult bro, you got to get out of bro, like last week I sent my driver to flow and he forgot to put the shiitake mushrooms chatti nahi hai tere। अपने नन्हे अकबर को क्या कहोगे? अब नन्ना अकबर खड़ा है, 15 साल का अकबर यहाँ खड़ा है,
और 30-31 साल का अकबर उसके पीछे खड़ा है। मैं कहूंगा शनि नहीं गानी पथरी हो जाती है लोगों भाई। अच्छे कॉल बैक आ रहे हैं आखिर सारे कॉल बैक आइए। बहरहाल अकबर तुम टीवीएस में आया हो तो मजा आया मुझे बहुत मजा आया, मैं ऑनर्ड फील करता हूँ यार। अरे थैंक यू सो मच यार, और मुझे मजा इसलिए आया कि पहली बार मेरा काम आसान है। अरे अगला बंदा खुद ही आया, खुद ही हंसाया, खुद ही उसने टिश्यू फैलाया, कचरा फैलाया, शेर भी लाया। वेरी इनोवेटिव यार, मैं थैंक यू सो मच अकबर तुम आए और यार बहुत मजा आया यार। आई होप दिस एपिसोड विल ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स इंशाल्लाह। अकबर चौधरी लेडीज एंड जेंटलमैन। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अकबर चौधरी, मैं हूँ नाशपाती प्राइम के शो टू बी ऑनेस्ट के सेट पे। अभी ताबिश भाई से बात हुई, बहुत मज़ा आया है, तो आपने ज़रूर ये एपिसोड देखनी है। नाशपाती को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और TBH टू बी ऑनेस्ट का शो जो है ये आप देखते रहिएगा, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा इस एपिसोड में। सी यू गाइस ऑन यूट्यूब। यार मैं तो रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर अब चले नॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी हो गए कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज़्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए